emerging this kind of movements that always combat terrorism and fundamentalism. So I'm glad that we are also coming together to say that, where it is in India or in Sri Lanka or in America or in New Zealand, anywhere, a kind of terrorism, a kind of fundamentalism has to be countered. Sab logo salam namaste. Jo waqia abhi chand din pehle Sri Lanka mein hua hai usne sari duniya ko dehla diya hai aur humko bhi yahan Hindustan mein sare Hindustaniyon ko chahe kisi bhi mazhab se taluq rakhte ho unko shadeed gham aur gussa bhi hai ki is tarah ke darinde आज दुनिया में रहते हैं जो कि मासूम लोगों की जान लेने में जिन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है और ऐसे लोगों की जान लेते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अगर उनसे कोई लड़ाई होती फिर तो कुछ समझ में आती है बात, लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई भी ताल्लुक नहीं है उनकी जान लेना, और वो भी ऐसे लोग जो कि किसी मजहबी इबादत गाह में गए हों, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो टेम्पल हो, ऐसी जगह जाने वाले लोग एक तरह से खुदा से जोड़ने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों पर अटैक करना एक और ज़्यादा खतरनाक किस्म का जुर्म है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रीलंका की गवर्नमेंट और बाहर की और दूसरी जो ताकतें हैं वो उन मुजरिमों को जानने की कोशिश करेंगी जिन्होंने ये किया। इस सिलसिले में कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और ये बातें हमारे जो साथी हैं सब लोग रखेंगे कि श्रीलंका में पिछले तकरीबन 40 साल से वायलेंस हो रहा है, और वो जाकर के 10 साल पहले रुका, थमा। टैमिल टाइगर्स आप जानते हैं, वहाँ पर उन्होंने हर किस्म का, बल्कि ये कहा जाता है कि सुसाइड बॉम्बिंग जो दुनिया में उन्होंने ही शुरू की, और खतरनाक तरीन किस्म के उन्होंने जराइम किए, लेकिन श्रीलंका के गवर्नमेंट ने और इंटरनेशनल कम्यूनिटी की मदद से उसको ख़त्म किया, और उसके बाद से वहाँ पर एक और ताकत उठी, वो बुद्धिस्ट की थी, सब बुद्धिस्ट नहीं बल्कि एक छोटी सी एक माइनॉरिटी बौद्ध बोला सेना के नाम से एक तंजीम वहाँ पर है जिसने भी काफ़ी कत्ल वारदात की, और शायद आप लोगों को याद होगा कि 5-6 साल पहले एक मस्जिद की फोटो मौजूद है हमारे पास में मौजूद है, आपने भी देखा होगा, जिसमें सिर्फ लाशें ही लाशें कब्रों में हैं जो कि उन्होंने बम मार करके उनको मार दिया था जब वो नमाज पढ़ रहे थे। और उसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1914 में एक एडिटोरियल लिखा है, 15 अक्टूबर 1914 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटर छपा हुआ एडिटोरियल छपा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि आरएसएस म्यांमार और बर्मा और श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके साथ मिल करके मुसलमानों के खिलाफ काम करने का काम शुरू किया है। ये 2014 की बात है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत ही जिम्मेदार बच्चा है, उसके अंदर एडिटोरियल हुआ और उसने ये कहा है कि ये चीज़ जो है इलाके के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगी। और मैं आपको इधर करीब आता हूँ, मैं अभी जिस दिन यह अटैक हुआ है उसके 30 मिनट के अंदर विद इन 30 मिनट्स इंडियन मीडिया में उन लोगों के नाम आ गए जिन्होंने किया है। ऐसा कौन सा जादू है, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि होने के 30 मिनट पहले आपने क्यों नहीं बता दिया श्रीलंका गवर्नमेंट को, 30 मिनट के बाद बता दें। फिर 24 घंटे के अंदर श्रीलंका गवर्नमेंट ने यह कहा कि इसके पीछे सो कॉल्ड कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम भी दिया गया है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने छपा हुआ है, कल ही छपा हुआ वॉशिंगटन पोस्ट ने ये न्यूज़ दिया है कि ये इंफॉर्मेशन कि कोई मुस्लिम तंजीम इसके पीछे है वो इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दी है। तो मैं सिर्फ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोगों को जंप नहीं करना चाहिए कि कौन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से मालूम करना चाहिए, और जो सही माने में जो मुजरिम है उनको फांसी क्या, बल्कि उससे भी ज़्यादा कोई सज़ा हो तो वो होनी चाहिए, और उससे लेकिन उससे पहले नहीं, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं इस इलाके के अंदर भी और बाहर भी जो चाहते हैं कि ये इलाका अमन सुकून से न रहे,
हिंदुस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, ये सब इलाका जो है वो लोग चाहते हैं पाकिस्तान में इसमें शामिल है कि यहाँ पे अमन सुकून न रहे। इसलिए अमन सुकून न रहेगा तो उनके असले बिकेंगे, अमन सुकून न रहेगा तो वो जाएंगे फौरन मगरबी मुल्कों के पास कि भाई हमारी मदद कीजिए, हमको कर्जा दीजिए, हमको हथियार दीजिए वगैरह वगैरह। इसलिए अमन सुकून वो नहीं चाहते हैं। तो हमको जल्दी नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं ये भी एक तजवीज़ हमारे पैनलिस्ट के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो सके कि एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बने, हिंदुस्तान में बने, श्रीलंका में बने, मलेशिया में बने, मलेशिया में से पहले हो चुका है इस तरह काम, और हमारे कुछ दोस्त भी वहाँ जो कि इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस इतने बड़ा जुर्म जो है जिसमें कि 300 बल्कि उससे भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, इसकी तहकीकात करें और पहुँचने को कोशिश करें कि इसके पीछे क्या है। मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करूँगा, और मैं समझता हूँ कि आज का ये हमारे यहाँ जमा होना एक ऐलान है कि हम मुसलमान भी, ईसाई भी और दूसरे लोग भी इस खतरनाक और इस बदतरीन जो जुर्म है उसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं, उसको कंडम करते हैं और अपने आप को उससे बरी करते हैं। हम लोग उसके साथ किसी तरह भी शरीक नहीं, किसी तरह से भी 1% भी कहीं पर हमारे लिए उसके उनके लिए हमदर्दी नहीं है, बल्कि हम उनको न सिर्फ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन समझते हैं। शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक तमाम अंगेज और दिलों को दहला देने वाला वाकया जो श्रीलंका के अंदर हकूक पजीर हुआ है, ये हम सब के लिए बाईस मन जो गम है और पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वो गम का इजहार कर रही है। ये हमारा एक दीनी और मजहबी फरीजा है कि हम भी उन मजलूमीन के लिए हमदर्दी का इजहार करें, और हमदर्दी के इजहार से ज़्यादा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो। वार और टेररिज्म के नाम के ऊपर जो जंग हुई, मैं समझता हूँ कि उसमें अपने मफादात पूरे करने की कोशिशें ज़्यादा हुई, खसूसियत के साथ मगरिब की तरफ से, और वाज़े अल्फाज में कहा जाए तो खुद अमरीका की तरफ से अपने मफादात जो है वो पूरे करने की कोशिश की गई है। टेररिज्म के खिलाफ कोई वाकई संजीदा चैनल जो है वो नहीं हुई, इसलिए कि टेररिज्म कहीं भी हो, किसी भी शक्ल में हो, कोई भी कर रहा हो, टेररिज्म हर लिहाज से अपनी हर शक्ल में काबिल मजम्मत है। कोई गुड टेररिज्म नहीं होता, कोई टेररिज्म इस लायक नहीं होता कि उससे जो है बात की जाए। टेररिज्म का जवाब जो है वो सख्त तरीन जवाब हमारी तरफ से जो है पूरी दुनिया की तरफ से, मुअज़्ज़ज़ दुनिया की तरफ से होना चाहिए। ये वाकया जो कुछ हुआ है, अब हम नहीं कह सकते कि किन हालात ने किया, किन लोगों ने किया, किस ग्रुप का कारनामा है ये, पर जिसका भी ये कारनामा है, जिन लोगों ने भी अंजाम दिया है उन्हें वाकई सही माना में सही सज़ा, ऐसी मुनासिब सज़ा कि जिसके बाद टेररिज्म के लिए दरवाजे बंद हो जाए, ऐसी सज़ा जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए। और जाहिर है कि इस मौके के ऊपर हम सारे हमदर्दी के अलावा और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेररिज्म के लिए अब तक जो बात कही गई है कही जाती रही है और बात अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है कि टेररिज्म का ताल्लुक जो है वो मजहब से नहीं होता, ये दरिंदगी है, ये वहशत और दहशत फैलाने वाले अफराद जो है वो इंसानियत से तो सुदूर हैं। मजहब से टेररिज्म को नहीं जोड़ा जा सकता, वो इसलिए कि कोई भी मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता, और किसी भी मजहब के लिए हम इस तरह से तसव्वुर कर ही नहीं सकते कि एक कोई भी मजहब हो उस मजहब पे कारबंद होने के लिए, उसका सच्चा अकीदतबंद होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान सही माना में इंसान, यानी पहले इंसानियत होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो इंसान मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन बनता है। इन सबसे पहले जो है वो इंसानियत, ये इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ वाकई हम सब के लिए बेहतरीन मौका है कि हम इस वक्त, अब इस वक्त अगर हम न चाहें
और इस वक्त भी हमने बातें हैं टेररिज्म के खिलाफ वाकई और सच्ची जंग न लड़ी, तो अब फिर कब जो है वो जंग लड़ी जाएगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए बेहतरीन लम्हे फिक्रिया है, पूरी संजीदगी के साथ दुनिया जो है इस मसले के ऊपर सोचेगी। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया। ये श्रीलंका में जो कुछ वाकया पेश आया, जाहिर है ये बहुत घटियाना और तबियत वाला वाकया था, शैतानी अमल था, और हम सब लोग जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं और मुख्तलिफ मजाहिब से भी हमारा ताल्लुक है, और जमीयत उलमा हिंद ने हमें जमा किया है, तो इस मौके पर हम सब इसकी मुजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से मैं इस मामले की, इस अलमनाक वाक्य की मजम्मत करता हूँ। अजीब बात यह है कि ये ऐसे वाकयात चाहे यूरोप में हों, चाहे न्यूजीलैंड में हों, या आज ये श्रीलंका का वाक्य, ये मजहब के नाम पर किए जा रहे हैं, और वो मजहब कोई भी हो सकता है। सही बात यह है कि मजहब पर जो फूल मोहब्बत के फूल लगते हैं, रहम के फूल लगते हैं, नफरत और तशद्दुद के पाते नहीं होते, तो ये लोग सही बात यह है कि मजहब को भी बदनाम कर रहे हैं और मजहब का ऐसे गलत तसव्वुर पेश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की और ज़्यादा मजम्मत की जानी चाहिए जो एक मुकद्दस या मजहबी तसव्वुर को पामाल कर रहे हैं और उसके नाम पर लोगों के जाने ले रहे हैं, बेगुनाहों पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और कत्ल नाहक कर रहे हैं, तो हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात मुझे ये अर्ज़ करनी है कि जो कुछ ये वाकया पेश आया है ये काबिल मजम्मत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें श्रीलंका की हुकूमत से भी एक बात तो ये अर्ज़ करनी है, जैसे बात आ रही है कि साहब उसको हम वहाँ जाएंगे या कोई जो ज़रूरत होगी वो हम उसके साथ हैं, उसके साथ मुकम्मल सॉलिडरिटी का इजहार करते हैं, वहाँ के शहरी हों या वहाँ की हुकूमत हो या वहाँ के मरने वाले लोगों की फैमिलीज़ हों या जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी फैमिलीज़ हों, हम उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी का इजहार करते हैं, लेकिन हुकूमत श्रीलंका से ये भी कहते हैं कि वो किसी नतीजे तक पहुँचने में जल्दी न करें, बल्कि सही तौर पर तहकीकात हों और तहकीकात के बाद जो लोग मुजरिम करार पाए उनको ऐसी सज़ा मिले कि जो दुनिया में इज्जत, इसलिए कि ऐसे लोगों को अगर इज्जतनाक सज़ा मिलेगी तो फिर दूसरी जगहों के लोग भी ऐसे मुजरिम ही वो यह सबक हासिल करेंगे और कुछ ना कुछ वो होश के नाखून लेंगे, उनकी आंखें खुलेंगी। आखिर में हम पूरी उम्मीद है कि जो अमन पसंद ताकतें हैं, ख़ासतौर से हमारे इलाके के या आलमी सतह पर अमन पसंद ताकतें हैं, उनके अंदर और बेदाव पैदा होगी और वो इसके खिलाफ सिर्फ मजम्मत के अल्फाज ही नहीं बल्कि जो भी इकदाम किए जा सकते हैं उनके लिए आगे बढ़ेंगे। UIO भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनकी भी तवज्जो इस तरफ होगी, इसीलिए कि ये सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते चलता जा रहा है। इसकी रोकथाम करना तमाम मुल्कों की भी जिम्मेदारी है, हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल फोरम्स की भी जिम्मेदारी है और UIO का भी कुछ ना कुछ फ़र्ज बनता है कि वो आगे बढ़ करके फैसले को इकदाम करें, आवाज़ उठाएँ। और हम हिंदुस्तान के लोग तो इस मुसीबत के लिए श्रीलंका के साथ हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, और इस सिलसिले में जो भी ज़रूरत होगी हम उसके साथ वक्त तैयार होंगे। देखिए, जालिम का वो मजहब से नहीं शनाख्त की जा सकती, जालिम का एक ही मजहब होता है बुजुर्ग जालिम, इसी तरह से जो मजलूम हैं जिनकी जानें नहीं, जो ज़ख्मी हुए उनको भी हम मजहब की बुनियाद पर आइडेंटिफाई नहीं बल्कि मजलूम की हैसियत से, चाहे उसका जो भी मजहब हो, जो भी कल्चर हो, जो इस इलाके के भी वो रहने वाले हों, जिस मुल्क के भी वो बाशिंदे हों, बहरहाल इस वक्त हमारी हमदर्दी के हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और इस सिलसिले में उनको जो भी ज़रूरत हम महसूस करेंगे या वहाँ की हुकूमत की तरफ से जो भी ज़रूरत सामने आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे और उनके लिए दस्ते तआवुन भी बढ़ाएंगे, तआवुन का हाथ भी आगे बढ़ाएंगे। और इन बातों के साथ मैं अपनी बातें सब आ चुकी हैं और यहाँ पे जमा होने का मकसद और आप लोगों को बुलाने का मकसद
बगैर ये फ्रेंड बढ़ के अगर मगर के बगैर जॉन दयाल साहब डॉक्टर साहब तो जो चाहूंगा बगैर अगर मगर के इस इंसिडेंट को कंडम करना नंबर एक। नंबर दो, जो लोग अफेक्टेड हैं उनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करना, शो करना, कहना कि हम आपके साथ हैं। जो लोग चले गए या जो उनके बच गए या जो जख्मी वो शदीद दुख में है, ऐसा मुबारक मौका, ऐसा ईद का जैसा मौका, खुशियों का, दुआओं का, अच्छाइयों का मौका, और उस मौके को इस तरह से इबादतगाह में घुसकर और लोगों को मार देना, ये इससे बड़ा शेमफुल और बदनसीबी का काम दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तीसरा और आखिरी बात ये कि मुल्क हिंदुस्तान, हमारा देश और देशवासी सब, इत्तेफाक से यहाँ नज़र तो मुसलमान और क्रिश्चियन ही आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पूरा देश श्रीलंका के लोगों के इस दुख में श्रीलंका के लोगों के साथ है। ये दुख डबल हो गया इबादतगाह की वजह से, उसकी उस प्लेस ऑफ वर्शिप की वजह से। किसने किया, क्यों किया, किसको पकड़ा जाएगा, किसका नाम आ रहा है, किसने करवाया है, ये सब बहस अलग है। इस बहस को उठाकर हम अपनी तरफ से जो कंडोलेंस करना चाहते हैं, जो मजम्मत करना चाहते हैं, जो इसकी अंग्रेजी में क्या कहेंगे मजम्मत को, कंडम करना चाहते हैं, उसको हल्का नहीं होने देना है, किसी जरूरत को हल्का नहीं होने देना। हम पूरी ताकत के साथ श्रीलंका के लोगों के साथ हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी के साथ हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो दुख हमारे भाइयों को हुआ है, हमारा दुख, हम ये तो नहीं दावा करेंगे कि उनसे ज़्यादा है, लेकिन आप यकीन रखिए आपके दुख से कम नहीं हमारा दुख, क्योंकि अगर इत्तेफाक से, अगर इत्तेफाक से ये काम इस्लाम के नाम पर हो रहा है, कहीं भी हो रहा हो, तो वो दरअसल क्रिश्चियनिटी के या क्रिश्चियंस के या हिंदुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि वो दरअसल इस्लाम के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए इसके लिए। तीन चार बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये कि ये कितनी अजीब विडंबना है कि ब्लास्ट के कुछ चंद घंटों बाद ही चित्तौड़गढ़ के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि श्रीलंका के ब्लास्ट के नाम पर हमको बोल दें। कितनी अजीब विडंबना है कि हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे एक सबक लेने की बजाय कि दो के पिछले दो महीने के अंदर दो बड़े हादसे हुए हैं जिसने पूरी दुनिया की इंसानियत को हिला के रखी है, और उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इन दोनों ने अपने मुल्क में एक सूरत हाल को संभाला है और वहाँ पर कोई इंटर कम्युनिटी क्लैशेस नहीं होने दी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन के अंदर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में 3 घंटे के बाद ब्लास्ट हुए, ये अपील करते हैं कि भारत के नागरिक उनको श्रीलंका के में जो ब्लास्ट हुआ है उसके खिलाफ उनको वोट दें। ये कहाँ का ये अजीब वगरीब सिलसिला। दूसरी बात ये कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने, वहाँ के मंत्री ने आज श्रीलंका की पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी बातें कही। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इस टफ टाइम्स में जब पूरे श्रीलंका की आवाम जो है वो एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि जो उनके लिए बहुत टेस्टिंग टाइम है, उस पर भारत में राजनीति बंद होनी चाहिए और हमें श्रीलंका की आवाम के साथ बिना राजनीतिक फायदा उठाने की नियत से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और जो पूरे विश्व के अंदर ये जो
खेल खेला जा रहा है, ये जो टेररिज्म का के नाम के ऊपर कदम उठ रहे हैं, उसकी जितनी घटना की जाए वो कम है। ऐसे लोग जो ये सब करते हैं किसी का आलाकार बनकर या स्वयं अगर इस जो सब काम करते हैं तो उनकी भर्सना करने में कोई भी हमें हिचकिचाहट नहीं, लेकिन हमारा अपना मानना यह है कि इसकी इंटरनेशनल इंक्वायरी फौरी तौर के ऊपर होनी चाहिए और इस बात का पता लगाया जाएंगे कि जो पूरे खत्ते के अंदर जो ये एक खेल खेला जा रहा है, इस खेल के पीछे कौन है। मैं समझता हूँ कि आज हमारी तमाम संवेदनाएँ, हमारी हमदर्दियाँ श्रीलंका की आवाम के साथ हैं और महमूद मदनी साहब ने एक प्रपोजल रखा है, जौहरियार साहब ने प्रपोजल रखा है, मैं उसको पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि भारत का एक विशिष्ट एक नागरिक जो डेलीगेशन है वो श्रीलंका की आवाम के साथ जाकर वहाँ के लोगों के साथ एक पर्सनली वहाँ पर जो है हमदर्दी करेगा। इससे इसलिए नहीं करने जा रहे हैं कि हम सबको गुड विल फील कर रहे हैं, बल्कि ये कि जो मानवता का एक बड़ा पैगाम है उस पैगाम को फैलाने के लिए हम सबको ये जो पूरा एक टेररिज्म का खेल हो रहा है इसके खिलाफ अपनी बात उठानी चाहिए। सरकार बहुत शुक्रिय है, हम हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर मिल रहे हैं बोलने के लिए, जाति धर्म से हटकर भारत की जनता का, श्रीलंका की जनता के सारी सांत्वना, कंडोलेंस, एकता, हमदर्दी, उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। सरकार से बात करेगी, क्या उनको मदद चाहिए, क्या इंटेलिजेंस की मदद चाहिए या पुलिस की मदद चाहिए। आई एक कल रात को भी बात हुई थी कि इंटरपोल किस तरीके से मदद कर सकता है, वो सब अपने दरकार है, मगर आज श्रीलंका के लोगों को जो 30-40 साल से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर टूटे हुए थे, उनको एक मैसेज जा रहा है कि पूरा विश्व उनके साथ है। उनका सबसे बड़ा नेबर हिंदुस्तान, यहाँ की सबसे बड़ी दो अखिलियतें मुसलमान और ईसाई, और शाम को आप देखेंगे हमारे साथ बुद्धिस्ट और सरदार भी खड़े होते, हम इकट्ठे उनके साथ हैं। और एक मशवरा यहाँ पे हो रहा है कि एक हाई पावर अंतर जातीय नेशनल सिविल डेलीगेशन श्रीलंका पर बन जाए, उन परिवारों से मिले, वहाँ की सरकार से मिले और उनको जो हम यहाँ पे आपको प्रेस के बजल या प्रेस बता रहे हैं उनको जाके वहाँ पर अपने आप बताएंगे उसका मैकेनिक्स कौन सी तारीख होगी, कौन लोग जाएंगे, उसके बारे में आपको इतला तारीख में दे दी जाएगी। आज श्रीलंका में सबसे बड़ी ज़रूरत है हीलिंग की, और वहाँ के राष्ट्रपति ने मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाते हैं अपने लोगों को, और वहाँ की सरकार में भारतीय सरकार से ज़्यादा अंतर हुए थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने बहुत मेच्योर पोजिशन लिया है, किसी को ब्लेम नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हुआ है, उन्होंने कहा कि 30 साल की तमिल इंसर्जेंसी के बाद ऐसा बड़ा कानून नहीं हुआ था, तमिल टाइगर्स कभी नहीं कर पाए। तो ये जो इंटरनेशनल लार्जर साजिश है उन्होंने वो इस्तेमाल किया, उन्होंने इसको कोई मजहबी कलर नहीं दिया है, कोई राजनीतिक कलर आपके तरफ भी नहीं दिया है, तो उन्होंने ये बात साफ की है कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है श्रीलंका को डिस्टेबलाइज करने की। वहाँ पे उनका जो सारा इकोनॉमिक रिसर्जेंस है अपने आप को पिछले 9 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टूरिज्म ही मेन 80% टूरिज्म ही मेन है, और आज की तारीख में फिर एक बार जैसे 30 साल पहले था टूरिज्म बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है। हमारा यही साफ हुआ है किस तरीके से जल्द गवर्नमेंट से आए वहाँ पर, सरकार को कोई हमें लोगों की मदद चाहिए, चाहे पैसे की या मेडिकल और भी कोई मदद हो सकती है। हिंदुस्तान में मेडिकल सिचुएशन बहुत अच्छी है, वहाँ से कोई यहाँ पर इंजर्ड आदमी हम किस तरीके से मदद कर पाएंगे, आपको हमारे में बड़े बड़े अस्पताल हैं, किस तरीके से दक्षिण भारत के अस्पताल हैं उनमें किस तरीके की मदद हो पाएगी। यहाँ पे हिंदुस्तान का चर्च आपस में डिस्कस कर रहा है, इस वास्ते हम लोग
आपके साथ आए हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप सर ईसाई और मुसलमान देख रहे हैं, मगर इसमें रिप्रेजेंटेशन है और शाम को जैसे मतलब फिजिकली भी होगा, सारे कौम होगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो मरने वाले हैं उसमें तकरीबन सारे कौम हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईसाई बने, टूरिस्ट बने भारतीय, सब कर्नाटका के 6 लोग बने, ये भाजपा भी है हिंदू है, और भी जिस तरीके से खुलासा होता जाएगा बुद्धिस्ट भी है, वहाँ से जाते हैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका बुद्धिस्ट का वहाँ भी जाता है। तो ये जो ट्रेजेडी हुई है इसमें सब धर्म के लोगों का ऊपर खून बहाया है, और ये जो खून बहा है इकट्ठा मिला है उसी से हमारी एक तरीके से ताकत भी आती है और हमारे जो बोलने की शक्ति भी होती है कि हम सब भारत के लोग इकट्ठा हो गए, श्रीलंका के सारे लोगों को, घायल लोगों को, मृतकों के परिवारों को अपनी सांत्वना देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इंजर्ड एंड क्लियर हो जाए, और बाकी के लोगों के घाव पे उनके दर्द पे जो दिख रहे हैं वो हमारा लगाया जा सकते हैं। इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की।